तो नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया 91 में। इस वक्त मौजूद है हम लोग हल्का नारायणगढ़ की ग्राम पंचायत सोटी कोहड़ी में, जहां पर मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं चौधरी रामकृष्ण समर्थक अरविंद धीमान जी। आइए चलते हैं, चुनाव प्रचार का समय है, चुनाव का बिगुल बज चुका है, नारायणगढ़ के लोगों का क्या सिस्टम है, क्या सोच है, बात करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अरविंद जी। सबसे पहले तो मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा कि कांग्रेस में कितने समस्याएँ हैं, यूथ कांग्रेस की आपको उपाधि भी मिली है, क्या थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। सर, ऐसा है, जब से हम पुराने समय से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, हमारे दादाजी थे स्वर्गीय चौधरी लक्ष्मण मिश्री जी, वो चौधरी रामकृष्ण गुज्जर जी के जो पिता थे लाल सिंह जी, उनके साथ रहते थे। उसके बाद चौधरी साहब को कमांड मिली इलेक्शन लड़ने की, तो उनके बाद हमारे पूर्व सरपंच राजकुमार जी उनके साथ थे। अब मैं 8 साल से चौधरी साहब के साथ हूँ और हमने बहुत ही मेहनत की है अपने इसमें गांव में। हमने आज तक कांग्रेस पार्टी को यहाँ से कभी भी हारने नहीं दिया, चाहे वो मोदी जी की लहर कहीं चली हो पहले भी और अब भी, चाहे वो MP का इलेक्शन हो चाहे MLA का इलेक्शन हो, हमने यहाँ से हमेशा अपने बूथ से कांग्रेस पार्टी को जिता करके भेजा है। और हमारी यही कोशिश है कि आगे भी हम इसको अपने इस रिकॉर्ड को कायम रखते हुए यहाँ से ज़्यादा वोटों से जिताकर चौधरी साहब को भेजेंगे। चौधरी रामकृष्ण जी के कार्यकाल में क्या क्या विकास कार्य हुए थे ये बताइए जरा। चौधरी रामकृष्ण की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो है कि हमें 10 साल के अंदर जो किसानों की सबसे बड़ी समस्या है, मिल की, शुगर मिल की, गन्ने की पेमेंट की जो समस्या, सबसे बड़ी समस्या है, कभी भी हमें इस समस्या से जूझना नहीं पड़ा। हमें टाइम टू टाइम हमारी गन्ने की पेमेंट हमें मिलती रही। हम और हमारे किसान भाई कभी भी धरने पर नहीं बैठे, जबकि ये 5 साल के अंदर जबकि सरकार आई है BJP की, नायब सैनी जी हम यहाँ से मंत्री बन के हरियाणा के अंदर राज्य मंत्री बने हैं, तब से ही किसान धरने पर बैठे हैं। हर साल हमें धरना देना पड़ता है किसानों को, तब जाके हमारी पेमेंट हमारे तक पहुंचती है। और अब की बार तो ऐसा हुआ कि किसानों ने नग्न अवस्था में अपने कपड़े उतार करके नारायणगढ़ बाज़ार के अंदर सजादपुर बाज़ार के अंदर रोष प्रदर्शन किया और पूरे 20 दिन क्या, 1 महीने से ऊपर जो हमारे यहाँ बेगना नदी पड़ती है उसके अंदर कपड़े उतार कर बैठे रहे, फिर भी कोई सुनने नहीं आया। जब उनको ये लग गया भी अब इलेक्शन सिर पे आ गया है, तब उन्होंने ये पेमेंट कराई है। और इस बात को हमारे किसान समझते हैं कि ये चुनावी स्टंट है, आगे भी हमें ऐसे ही परेशान करेंगे। लेकिन चौधरी साहब के टाइम के अंदर, भूपेंद्र हुड्डा जी के टाइम के अंदर ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसानों ने कभी धरना दिया हो या कि कोई जो ऐसे कर्मचारी, हर कर्मचारी इस पे धरने पे बैठे हैं, ये गैस टीचर लगा लो या आप कंप्यूटर टीचर लगा लो, इनको कभी भी परेशान नहीं किया सरकार ने। आपका क्या मानना है कि इस बार जैसे यहाँ के जो हल्का नारायणगढ़ के जो लोग हैं, कितने परसेंट कांग्रेस को जिताएंगे चौधरी साहब के साथ, कितने लोग जुड़ेंगे, कितने परसेंट वोटर मिल सकती है? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, पहले एक तरफ ही आंधी थी, मोदी था, तब भी हमारे चौधरी साहब दूसरे नंबर पर रहे थे, और अब की बार तो एक नंबर पे उनको रहना, तो क्या वो आ चुके हैं एक नंबर पे, क्योंकि आज जनता की आवाज़ ये है, जैसे जनता को तंग कर दिया गया है, परेशान है जनता। तो जहाँ भी हम जाते हैं, हम बातें करते हैं किसी से भी, जैसे हमारे यूथ के हैं या हमारे बुजुर्ग हैं या हमारे युवा साथी हैं, वो यही कहते हैं, भाई देख हमने इतने फॉर्म भर दिए हैं, कोई नौकरी अब तक नहीं मिली, फॉर्म ऑनलाइन कर देते हैं, लेकिन आज तक किसी भर्ती का नहीं पता, कहाँ जाना है, कोई इंटरव्यू नहीं, कुछ नहीं, बस एक ये युवा पीढ़ी को एक परेशान किया जाता है, परेशान कर रहे हैं लोग ये सरकार BJP की। उनको कोई मकसद ये नहीं है, इनको नौकरी देना है, बस ये है कि हम नौकरियां निकाल रहे हैं। BJP सरकार से नाराजगी का क्या कारण है आप लोगों का, कि आप लोगों को लगता है कि हाँ इस बार कांग्रेस में चौधरी साहब को आगे आना चाहिए, BJP को नहीं आना चाहिए, क्या ऐसी नाराजगी है, क्या ऐसे कारण है, ये बताइए हमारे दर्शकों को एक बार। सबसे बड़ी नाराजगी तो ये है जो माइनिंग है, 2-10 साल के अंदर चौधरी साहब की सरकार थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार थी, उसके अंदर कितनी माइनिंग कभी नहीं हुई, यह माइनिंग अंधाधुंध हो रही है, कोई ओवरलोड ट्रकों को रोकता नहीं, ये लोगों के मान लीजिए जो अकेले अकेले बच्चे हैं रात को चलते हैं, हमारे गांव का एक लड़का काले आम से आ रहा था ड्यूटी करके, उसको ओवरलोड डंपर ने अपने नीचे कुचल दिया, एक्सीडेंट करके उसको मार दिया। एक मान लीजिए 2 भाई थे, वो एक अभी बच्चा है और दूसरे के अभी शादी होनी थी उसकी लड़के की, तो जब उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई का वो डाला गया भी इसको अरेस्ट करो, तो बोला भी ये नायब सैनी का डंपर है, ये नायब सैनी की गाड़ी है, इसको अरेस्ट नहीं कर सकते हम। तो इतनी माइनिंग और ये जो अपने ये युवा वर्ग है
इतना परेशान है कि चारों तरफ से निराश है जी। अभी हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे जो नारायणगढ़ हलका की जनता, आपको अपील क्या करना चाहोगे वोटिंग को लेकर? मैं तो नारायणगढ़ की जनता से ये अपील करूँगा, अभी चौधरी साहब ने, रामकिशन जी ने अपने टाइम के अंदर सरकारी नौकर 5,000 से ऊपर नौकर लगाए हैं सरकारी, और ये DC रेट वाला तो उस टाइम ऐसा रोड़ा ही नहीं था, पता नहीं कितने लगे होंगे, अगर मैं इनकी गिनती कराऊँ तो 10,000 से ऊपर जाएंगे। अगर आपको विकास कार्य चाहिए हैं तो चौधरी साहब को बहुत ज़्यादा वोटों से विजयी करें। धन्यवाद दोस्तों आप सबका, आप देख रहे हैं इंडिया 91।